ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। सपोज करो एक बॉल है, एक बॉल ऊपर से आपने गेरी और ये ग्राउंड को हिट कर लिया अभी 3 मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राउंड है, लिखते जाओ ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड को हिट करते ही ये बॉल वापस हो गई विद अ वेलोसिटी ऑफ वी। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होती तो इसकी जाने की वेलोसिटी भी 3 ही होती, कोई एनर्जी लॉस ना होता, वेलोसिटी लॉस भी ना होता। पर ये इन इलास्टिक है, क्वेश्चन में गिवन है ई की वैल्यू हाफ है। जिन क्वेश्चन में ई गिवन होता है उसमें एनर्जी लॉस होता ही है, तो ई की वैल्यू हाफ है, गिवन है। आपको निकालना है वेलोसिटी वी की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आप मुझे सिर्फ पहले ये बताएं कोलिजन किसके किसके बीच में है, बॉल और ग्राउंड, तो दो बॉडीज कौन है, बॉल और ग्राउंड। तो बॉल की वेलोसिटी इनिशियल टक्कर से पहले u1 और ग्राउंड की वेलोसिटी 0, ग्राउंड तो चल ही नहीं रहा, तो u1 तो 3 ले लो, u2 को 0 कर लो। नेक्स्ट है, अब v2, ग्राउंड तो फिर भी ना चला, u2 से v2 भी क्या 0, और u1 से v1 की वैल्यू -v, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। अगर तुमने इसको पॉजिटिव माना है तो इसको न्यूमेरिकली क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव। सही है यहां तक? तो ग्राउंड को फर्क नहीं पड़ रहा, तो टक्कर से पहले वेलोसिटी u1, टक्कर के बाद v1, और u2 v2 फर्क नहीं पड़ा, तो e की वैल्यू क्या है, v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। तो e की वैल्यू क्या आएगी, v2 की जगह क्या पुट करेंगे, 0, v1 की जगह क्या पुट करेंगे, -v, u1 की जगह क्या पुट करेंगे, 3 -0, तो v की वैल्यू क्या आ गई, 3 into e, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि रेस्टिट्यूशन को कैसे यूज करना है, क्लियर है? तो बॉल की आने की वेलोसिटी u1 है, टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 है, ग्राउंड की वेलोसिटी पहले u2 है बाद में v2 है, वो तो 0 ही रहेगी। तो कैसे लगाया रेस्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? आज के बाद अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कि सपोज एक बॉल हिट कर रही है एक दीवार को विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1/3 है, तो जाने की वेलोसिटी क्या होगी, ये मेथड बिल्कुल ना लगाना, ये तो वन टाइम मेथड है, शॉर्टकट है, आपकी वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है। एंड रिजल्ट देखो क्या आया, ई टाइम, हर बार यही रहेगा। तो जब भी एक ग्राउंड से बॉल टकरा के ऊपर जाएगी वेलोसिटी ई टाइम हो जाती है, दीवार से टकरा के वापस जाएगी ई टाइम 5 हो जाएगी, 1/3 × 5, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। कौन करेगा रेस्टिट्यूशन बैठ बैठ के, एक बार कर लिया ठीक है, समझ में आ गया, शॉर्टकट लगाएंगे। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तभी तो बोलते हैं अगर ई हाफ है, अगर ई हाफ है तो आधी एनर्जी खराब हो जाती है। क्यों? देखो एनर्जी तो नहीं, आधी वेलोसिटी खराब हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे? आपने एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से बॉल को हिट करवाया ग्राउंड को, ई ग्राउंड का हाफ था, वापस कितनी वेलोसिटी से, 5, 1/2 × 10, आधी वेलोसिटी गई, तो ई टाइम्स कर देना है, ये भूलना नहीं है। क्या रिजल्ट यहां तक याद रहेगा, कोई डाउट इसमें? ठीक,